सत श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असीं इंडियन कैबिनेट दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करन जा रहे हां कि वर्तमान समय दे विच किस मंत्रालय दे मंत्री कौन ने। जिवें कि तुहानूं पता है, असीं पंजाब दी कैबिनेट ते एक वीडियो बनाई सी ते बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कमेंट आ रहे सी कि इंडिया ते भी बनाई जावे। हाँ जी, जिहड़े स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम देंदे रहिंदे ने तां उहनां नूं तां पता होवेगा कि इस टॉपिक दे विचों एक जां दो नंबर दे क्वेश्चन जरूर पुछे जांदे आ एग्जाम दे विच, चाहे उह सेंटर लैवल दा होवे जां फिर स्टेट लैवल दा होवे। पंजाब दी कैबिनेट दे तां आपां ऑलरेडी कर चुके हां, उह वीडियो भी तुसीं जरूर देख लैणी आ जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं देखी। ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं इंडियन मिनिस्टर दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करन जा रहे हां कि किस मंत्रालय दे मंत्री कौन ने। जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जां कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम देण वाले हो तां अज दी इह वीडियो तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होण वाली आ। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी इह वीडियो स्टार्ट करदे हां। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर वन, पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री अते भारत दे हाउसिंग अते शहरी मामलों दे मंत्री कौन हन। हाँ जी, पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री अते भारत दे हाउसिंग अते शहरी मामलों दे मंत्री आ हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न आ, भारत का सड़की आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री कौन है। हाँ जी, भारत का सड़की आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़की आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री हैं। हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता है भारत 28 राज्यां अते 8 केंद्र शासित प्रदेशों का देश आ। तो इस दे नाल रिलेटिड कोई मिनिस्टर दे नाल रिलेटिड एट प्रेजेंट कौन की आ, वर्तमान दे विच कौन की आ, ये एमसीक्यू तुहानू पता है कि बहुत ज़्यादा बन जाने सी। तो मैं तुहाडे लई अज दी इस वीडियो दे विच जो एमसीक्यू ऐड कीते ने वो बहुत सिलेक्टेड जे ते इंपॉर्टेंट कीते ने, ठीक है। इस करके वीडियो नू थोड़े ध्यान नाल जरूर देखना ते समझ के करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस दे विच इंपॉर्टेंट ते किसी भी तरह तुहानू घुमा फिरा के आ सकदा। अगला प्रश्न असीं करदे हां जी, वर्तमान विच लोक सभा स्पीकर दा की नाम आ। हाँ जी, वर्तमान एट प्रेजेंट लोक सभा स्पीकर कौन ने। तो राइट आंसर है जी ओम बिरला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओम बिरला लोक सभा दे स्पीकर आ, ठीक है जी। इस तो इलावा लोक सभा दे नवे जनरल सकत्तर कौन बने आ, उत्कल कुमार सिंह, ये भी तुहानू पता होना चाहिए। हाँ जी, अगला प्रश्न आ, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नवा सकत्तर कौन बनिया है। हाँ जी, भारत के 15वें भारत के 15वें राष्ट्रपति बने आ द्रौपदी मुर्मू, तो इन्हों का नवा सकत्तर कौन बनिया है, राजेश वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं, भारत का नवा अटॉर्नी जनरल कौन बनिया है। हाँ जी, भारत के अटॉर्नी जनरल की गल हो रही है, तो कौन बनिया है, आर वेंकटा रमनी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आर वेंकटा रमनी भारत के अटॉर्नी जनरल बने आ, ठीक है जी। ये भी तुसी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने आ, ठीक है। इन्होंने के वेणु गोपाल का स्थान लिया। तो तुहानू ये पता होना चाहिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल 76 के तहत की जाती है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन मैं लिख दिते ने जो भी मैं इंपॉर्टेंट इफेक्ट बोले है तुहानू। हाँ जी, अगला प्रश्न असी करते हैं, भारत का नवा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनया है। हाँ जी, भारत के नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने आ, तो यह बने अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये भारत के दूजे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ, ठीक है जी। तुहानू पता होना चाहिए कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सी, बिपिन रावत, तो इन्हों की एक हैलीकॉप्टर क्रैश होने कारण डैथ हो गई सी। उस तो बाद हुण भारत के दूजे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने आ अनिल चौहान, ठीक है जी। हुण तुहाडे माइंड च आउंदा होना कि CDS है की आ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक चार स्टार ऑफिसर हुंदा जो सारे सेनावां यानी कि तीन सेनावां हुंदियां ना साडियां, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के
इंडियन आर्मी के मामलों में रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता वा CDS। ठीक है जी, अगला प्रश्न असी करते हैं जी। हाँ जी, उस तो इलावा जो भी मैं बोलिया वा मैं तुहानू तुसी देख सकते हो, रीड कर सकते हो, आप ऐड कर दिता हो। हाँ जी, अगला प्रश्न, हाकी इंडिया का नवा प्रधान कौन बनिया है? हाकी इंडिया का नवा प्रधान कौन बनिया है? दलीप तिरकी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्षा खोज और विकास संगठन का नवा चेयरमैन कौन बनिया है? हाँ जी, रक्षा खोज और विकास संगठन के नवे चेयरमैन बने हैं समीर बी कामत। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल कीती है DRDO दी, यानी कि रक्षा खोज विकास संगठन, जिसनों असी इंग्लिश च बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हुण असी गल कीती है DRDO दी, ते इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1958 दे विच। इसका हैडक्वार्टर आ नवी दिल्ली दे विच। ठीक है जी, ते एट प्रेजेंट इस दे चेयरमैन तो यही बन गए ने समीर बी कामत। नैक्सट क्वेश्चन, भारत का नवा वणज सकत्र कौन बनिया है? हाँ जी, भारत का नवा वणज सकत्र कौन बनिया? सुनील बर्थवाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, हुण असी वणज सकत्र की गल की है तो वणज सकत्र के नाल रिलेटेड तुसी याद रखना कि भारत का नवा वणज सकत्र कौन बनिया है? वणज सकत्र, वणज मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, इस गल नूं तुसी ध्यान च रखना, कौन बने हैं? सुनील वर्थवाल। नाल दी नाल याद करी चलो जां लिख लिख के देखी चलो, क्योंकि इस तो बेस्ट तरीका कोई नहीं गा कि तुसी किसी भी चीज़ नूं याद रखो लिख के देखन नाल। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स दा नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो इस दे नवे डायरैक्टर जनरल कौन बने हैं? इस दे नवे डायरैक्टर जनरल बने हैं जी अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अनीश दयाल सिंह इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नवे DG बने। हुण असी गल कीती है ITBP की, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 24 अक्टूबर 1962 नूं। इसका हैडक्वार्टर कित्थे है? नवी दिल्ली दे विच। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहाडे लई इह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता कि ITBP दिवस कदों मनाया जाता? 24 अक्टूबर नूं मनाया जाता, क्योंकि इसकी स्थापना हुई सी 24 अक्टूबर 1962 नूं, ध्यान रखना। हाँ जी, अगला प्रश्न, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नवा डायरैक्टर जनरल कौन है? हाँ जी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नवे डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? सुजोय लाल थोसन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सुजोय लाल थोसन यह CRPF के नवे डायरैक्टर जनरल अपॉइंट हुए आ। ठीक है जी, तो इन्हों की नियुक्ति रिसेंटली हुई आ, अक्टूबर 2022 हुई आ। हुण तुसी देखो, असी गल कीती है CRPF दी, यानी कि सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स, ते इसकी स्थापना कदों हुई सी? 27 जुलाई 1939 नूं। इसका हैडक्वार्टर आ नवी दिल्ली दे विच। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहानू पता होना चाहिए कि CRPF दा जिहड़ा दिवस आ इह 27 जुलाई नूं मनाया जाता। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, नवी इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, नवी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डायरैक्टर जनरल बने आ राजीव बहल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, फुल फॉर्म भी नाल दी नाल याद रखना, तुहानू शॉर्ट भी पूछ लिया जा सकता कि फुल फॉर्म दसो। ठीक है, इस करके तुहानू याद होना चाहिए कि शॉर्ट दे विच असी की लिखते हैं ते इहदी फुल फॉर्म की बनती है। नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? भरत लाल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न असी करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो दे न्यूज़ सर्विस डिवीज़न दे नवे डायरैक्टर जनरल वजो किसनों नियुक्त किया गया? ऑल इंडिया रेडियो दे न्यूज़ सर्विस डिवीज़न दे नवे डायरैक्टर जनरल वजो नियुक्त हुए आ वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरैक्टर जनरल कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरैक्टर जनरल बनी आ कौन बनी आ? तो बने जी नलथम्मी कलाई सेल्वी।
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती है सी एस आई आर जानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना कदों हुई 26 सितंबर 1942 नूं, इसका हैडक्वार्टर है नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 49वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हाँ जी, भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने हैं उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तुहानू उदय यू ललित लिखा आ सकता, ठीक है। उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने हैं। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि टोटल 75 दिन तक भारत के चीफ जस्टिस चुने गए आ। इन्हां तों बाद भारत के 5वें चीफ जस्टिस की भी घोषणा हो चुकी है। सॉरी, मैं 50वें बोलना सी, मैनूं लगदा मैं 5वें बोल दिता, ठीक है। 5वें चीफ जस्टिस की भी घोषणा हो चुकी है। 5वें चीफ जस्टिस कौन बने आ? 50th ई वाई चंद्रचूड़, ठीक है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आ, भारत का नवा उपराष्ट्रपति कौन बनिया? हाँ जी, भारत के नवे उपराष्ट्रपति कौन बने आ? जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति आ जगदीप धनखड़, तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया। नैक्सट क्वेश्चन, भारत का नवा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बनिया है? हाँ जी, भारत का नवा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने आ कौन बने आ? सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री दफ्तर का नवा डायरैक्टर कौन बनिया है? हाँ जी, प्रधानमंत्री दफ्तर का नवा डायरैक्टर बनिया है सवेता सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो का नवा प्रमुख डायरैक्टर जनरल कौन है? हाँ जी, प्रेस सूचना ब्यूरो इस दे नवे डायरैक्टर जनरल बने आ कौन बने आ जी? सतिंदर प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सतिंदर प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो दे नवे डायरैक्टर जनरल बने। नैक्सट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ हिमांशु पाठक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ ICAR दी, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 15 जुलाई 1929 नूं, इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इसके डायरैक्टर जनरल तां इही बन गए ने हिमांशु पाठक। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ जी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का नवा डायरैक्टर कौन बनिया? तो यह बनिया जी देवाशीष मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नवा इंस्पैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नवे इंस्पैक्टर जनरल बने आ कौन बने आ? प्रवीण छावड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। NSG यानी कि नैशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके नवे इंस्पैक्टर बने आ प्रवीण छावड़ा, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1986 दे विच, इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नवा नैतिक अधिकारी अते लोकपाल कौन बनिया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नवे नैतिक अधिकारी अते लोकपाल बने आ कौन बने आ जी? ये बने आ विनीत सरन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विनीत शरण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नवे नैतिक अधिकारी अते लोकपाल आ। हाँ जी, अगला प्रश्न, भारत की पहली कबायली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हाँ जी, भारत की पहली कबायली महिला राष्ट्रपति बनी आ द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग कमीशन का नवा चेयरमैन कौन बनिया? हाँ जी, खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के नवे चेयरमैन बने आ मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, नीति आयोग का, हाँ जी इतने स्पैलिंग मिसटेक आ, नीति आयोग का नवा CEO कौन बनिया? हाँ जी, नीति आयोग के नवे CEO बने आ कौन बने आ?
परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीति आयोग की फुल फॉर्म की है? नीति दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई सी 1 जनवरी 2015 नू। इसका हैडक्वार्टर है नवी दिल्ली दे विच। एट प्रेजेंट इसके प्रधान कौन आ? नरेंद्र मोदी। उप प्रधान कौन ने? सुमन के बेरी। सीईओ बन गए ने परमेश्वरन अय्यर। नैक्सट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का नव डायरैक्टर जनरल कौन बनया? हाँ जी, सशस्त्र सीमा बल का नव डायरैक्टर जनरल बनया SL थाउसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हूँ असी गल की है सशस्त्र सीमा बल की। इसकी स्थापना कदों हुई सी? 20 सितंबर 1963 नू। इसका हैडक्वार्टर नवी दिल्ली दे विच। 20 सितंबर 1963 नू इसकी स्थापना हुई सी, तो इस करके 20 सितंबर नू की मनाया जाता? सशस्त्र सीमा बल दिवस। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? हाँ जी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो पहली महिला वा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के नवी चेयरमैन बनी, जा कह सकते हैं पहली महिला वा जो कि सैबी के नवे चेयरमैन बने हैं। ठीक है जी, सैबी का हुण हैडक्वार्टर कित्थे आ? मुंबई दे विच, इह वी तुहानूं पता होना चाहिए। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, भारत का नवा मुख चोन कमिश्नर कौन बने? भारत के नवे मुख चोन कमिश्नर बने आ कौन बने? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये भारत के नवे मुख चोन कमिश्नर बने आ राजीव कुमार। 99वें नंबर के बने आ? 25वें नंबर के बने आ। तो नवे उप चोन कमिश्नर भी बने आ, ये कौन बने आ? अजय भादू, जेडे कि रिसेंटली अक्तूबर के ही अपॉइंट किए गए आ। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय हवाई सेना का नव डायरैक्टर जनरल कौन बनया? हाँ जी, भारतीय हवाई सेना के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ कौन बने आ जी? ये बने आ संजीव कपूर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय हवाई सेना के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ संजीव कपूर। हुण असी गल कीती आ इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 8 अक्टूबर 1932 नू। तुहानू आ सकदा कि 8 जां तुहानू इह आ सकदा भारतीय हवाई सेना दिवस कदों मनाया जाता? तुहानू पता होना चाहिए 8 अक्टूबर नू मनाया जाता, क्योंकि इसकी स्थापना हुई सी 8 अक्टूबर 1932 नू। इसका हैडक्वार्टर आ नवी दिल्ली दे विच। एट प्रेजेंट इसके उप प्रमुख कौन आ? संदीप सिंह। नैक्सट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्स का नवा चेयरमैन कौन बनया? हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्स के नवे चेयरमैन बने आ नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल कीती है CBDT जानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन इस दे चेयर इस दी स्थापना हुई सी 1 जनवरी 1964। ठीक है, इसका हैडक्वार्टर है नवी दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय पुलाड़ खोज संस्था, हाँ जी, जिवें कि तुसी सुनिया होवेगा इसरो, इसरो जिहड़ी कि भारत की स्पेस एजेंसी आ, भारतीय पुलाड़ खोज संस्था, इसके चेयरमैन कौन आ? एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसरो की फुल फॉर्म की है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई सी, ये तुसी कमेंट बॉक्स के लिखोगे, क्योंकि आप हर तीसरे दिन इस दिन रिलेटिड करंट अफेयर के करते हैं MCQ। हुण इस दी गल कर लैंदे आ हैडक्वार्टर की। इसका हैडक्वार्टर बंगलौर के, जिहड़ा कि करनाटक की कैपिटल आ। ठीक है, बंगलौर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन वजों किसनों नियुक्त किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन वजों अपॉइंट होया, हाँ जी, कौन होया? सोमा मंडल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल कीती है सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 19 जनवरी 1954 नू। इसका हैडक्वार्टर नवी दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ दिनकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल कीती है NIA की, यानी कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो इसके नवे डायरैक्टर जनरल बने आ दिनकर गुप्ता, तो इसकी स्थापना हुई सी 2009 के, इसका हैडक्वार्टर ही आ। नैक्सट क्वेश्चन,
नवा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल कौन बनिया है? हाँ जी, नवे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन बने हैं? जुल्फकार हसन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नवे डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नवे डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फौज का नवा उपराष्ट्रपति कौन बनया है? हाँ जी, भारतीय फौज के नवे उपराष्ट्रपति बने हैं बी एस राजू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय सेना का नवा मुखी कौन बनया है? भारतीय सेना के नवे मुखी बने हैं मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उप मुखी कौन बने हैं? बी एस राजू, जिमें कि असी उपर गल की है। ठीक है, अगले इस तो उपर वाले प्रश्न देख सकते हो, भारतीय फौज के उपराष्ट्रपति या फिर उपमुखी, ठीक है, गल करिए प्रेजीडेंट, तो इस तुसी ध्यान रखना दोवां च फर्क आ, इंपॉर्टेंट भी आ। हाँ जी, इस समय भारत का गृह सकत्र कौन आ? हाँ जी, भारत के गृह सकत्र कौन आ? जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के गृह सकत्र आ अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिहड़े कि रिसेंटली अपॉइंट होए आ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवा निजी सकत्र कौन बनया? हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवे निजी सकत्र बने विवेक कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नवा चेयरमैन कौन बनया? हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नवे चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? एस एस मुंद्रा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल कमीशन फॉर शड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन कौन बनया? हाँ जी, नैशनल कमीशन फॉर शड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन बनया, कौन बनया? तो इस दे चेयरमैन बनया जी विजय सांपला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट, हुण असीं गल कीती आ नैशनल कमीशन फॉर शड्यूल्ड कास्ट, तो इस दी स्थापना कदों हुई सी? 19 फरवरी 2004 दे विच, इस दा हैडक्वार्टर नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, भारत दा नवा भारत दा नवा जल सेना मुखी कौन बनया? हाँ जी, भारत दा नवा जल सेना मुखी बनया आर हरी कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हुण असी गल कीती आ इंडियन नेवी दी, इंडियन नेवी दी स्थापना जां कह सकदे हां इंडियन नेवी डे कदों मनाया जांदा? 4 दिसंबर नूं। इसका हैडक्वार्टर कित्थे आ? नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नवा डायरैक्टर जनरल कौन है? हाँ जी, नैशनल सिक्योरिटी गार्ड के नवे डायरैक्टर जनरल कौन बने हैं? एम ए गणपति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एन एस जी यानी कि नैशनल सिक्योरिटी गार्ड, इस दे नवे डायरैक्टर जनरल बने एम ए गणपति, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1986 दे विच। हैडक्वार्टर नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन का नवा चेयरमैन कौन बनया है? हाँ जी, सी बी एस ई के नवे चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? निधि शिपर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हुण असी गल कीती है सी बी एस ई की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 2 जुलाई 1929 नूं। इसका हैडक्वार्टर नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नवा चेयरमैन कौन बनया? हाँ जी, यू पी एस ई यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नवे चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हुण असी गल की है यू पी एस ई की, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1 अक्टूबर 1926 नूं। इसका हैडक्वार्टर नवीं दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन तो यही बन गए ने डॉक्टर मनोज सोनी। नैक्सट क्वेश्चन, भारत के भू विज्ञान सर्वेखण का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनया है? हाँ जी, भारत के भू विज्ञान सर्वेखण के नवे डायरैक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हुण असी गल की भारत के भू विज्ञानिक सर्वेखण की, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 4 मार्च 1851 नूं। इसका हैडक्वार्टर पश्चिमी बंगाल की कैपिटल कोलकाता दे विच आ। ठीक है जी, तो एट प्रेजेंट इस दे डायरैक्टर जनरल तो यही बन गए ने डॉक्टर एस राजू। नैक्सट क्वेश्चन, डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन बने हैं? हाँ जी, डी जी एम ओ कौन बने हैं? तो बने हैं मनोज कुमार कटियार,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फौज का नवा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनिया है? हाँ जी, भारतीय फौज का नवा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनिया कौन बनिया जी? चनीरा बंसी पोनप्पा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोआर्डीनेटर कौन बनिया है? हाँ जी, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोआर्डीनेटर कौन बने आ? ये बने हैं जी जी अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनिया है? हाँ जी, भारत का नवा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं सोनाली सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड का नवा डायरेक्टर जनरल कौन बनिया है? हाँ जी, इंडियन कोस्ट गार्ड के नवे डायरेक्टर जनरल बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यह चौबीवें नंबर के इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवा मुख आर्थिक सलाहकार कौन बनिया है? हाँ जी, भारत के नवे मुख आर्थिक सलाहकार बने हैं वी अनंत नागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दे मुड़ चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? हाँ जी, फिर तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दे नवे चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सामंत गोयल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के नवे चेयरमैन कौन बने हैं? SSC के नवे चेयरमैन बने हैं कौन बने हैं जी? S किशोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगले दे विच तुहानू पूछा गया है कि बिक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नवे डायरैक्टर कौन बने हैं? बिक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नवे डायरैक्टर बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौंसिल इंडिया के नवे चेयरमैन कौन बने हैं? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौंसिल ऑफ इंडिया के नवे चेयरमैन बने हैं शशि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नवा चेयरमैन कौन बनिया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नवे चेयरमैन बने हैं M जगदीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का नवा जनरल सकत्तर कौन बनिया है? हाँ जी, राज्यसभा के सकत्तर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं जी प्रमोद चंद मोदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, इस तो इलावा जेकर असी गल करिए राज्यसभा के उप सकत्तर की, तो यह बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है जी, तो राज्यसभा के संसद के नेता कौन ने? पीयूष गोयल। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आ, फिक्की का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, फिक्की के नवे डायरैक्टर जनरल बने हैं अरुण चावला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल की है फिक्की की, इसकी फुल फॉर्म की है फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई सी 1927 के, इसका हैडक्वार्टर है नवी दिल्ली के, एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन ने? संजीव मेहता। नैक्सट क्वेश्चन, भारत का मुख हाइड्रोग्राफर कौन बनिया है? हाँ जी, भारत का मुख हाइड्रोग्राफर बने हैं अधीर अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, BSF के नवे डायरैक्टर जनरल बने हैं पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हुण असी गल की है BSF की, तो इसकी फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था, तो इसकी स्थापना हुई सी 1 दिसंबर 1945। इसका हैडक्वार्टर है नवी दिल्ली के। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नवा चेयरमैन कौन बनिया? नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नवे चेयरमैन बने हैं अलका उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस एसोसीएशन का नवा पहला प्रधान कौन बनिया है? हाँ जी, इंडियन स्पेस एसोसीएशन के नवे प्रधान बने हैं जो पहले प्रधान बने हैं जयंत पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जयंत पाटिल।
नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय हवाई सेना का नवा मुखी कौन बनिया? हाँ जी, भारतीय हवाई सेना के नवे मुखी बना विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, डिफेंस इंटैलीजेंस एजेंसी का नवा मुखी किसनू नियुक्त किया गया है? डिफेंस इंटैलीजेंस एजेंसी का नवा मुखी किन्नू नियुक्त किया गया है? जी ए वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नवा चेयरमैन कौन बनिया? हाँ जी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नवे चेयरमैन बने आ कौन बने? मनोज मुकुंद नरवने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष टैक्स अते कस्टमर्स दे नवे चेयरमैन वजों किसनू नियुक्त किया गया? हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स दे नवे डायरैक्टर जनरल चेयरमैन वजों अपॉइंट हुए आ विवेक जौहरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? हाँ जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? तो यह बनिया सत्य नारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ NCB दी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस दी स्थापना कदों हुई? 17 मार्च 1986 नूं। इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इसके डायरैक्टर जनरल तो यही बन गए ने सत्य नारायण प्रधान। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? तो यह बने ने अतुल करवाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स की, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 19 जनवरी 2006 दे विच। इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इसके डायरैक्टर जनरल तो यही बन गए ने अतुल करवाल। नैक्सट क्वेश्चन, केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल के नवे डायरैक्टर जनरल कौन बने आ? केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ सील वर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल की, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 10 मार्च 1969 नूं। इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इसके डायरैक्टर जनरल तो यही बन गए ने सील वर्धन सिंह। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नवा डायरैक्टर किसनू नियुक्त किया गया? नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नवे डायरैक्टर वजों अपॉइंट हुए आ, हाँ जी कौन हुए आ? विवेक गोगिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का नवा चेयरमैन अते CEO कौन बनिया? रेलवे बोर्ड के नवे चेयरमैन अते CEO बने BK त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कमीशन की चेयरपर्सन वजों किसनू दोबारा चुनिया गया? राष्ट्रीय महिला कमीशन के चेयरमैन वजों फिर तो अपॉइंट होया रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैशनल कैडेट कोर का नवा डायरैक्टर जनरल कौन बनिया? नैशनल कैडेट कोर के नवे डायरैक्टर जनरल बने आ गुरवीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बैड बैंक का नवा चेयरमैन कौन बनिया? हाँ जी, बैड बैंक के नवे चेयरमैन बने आ, पहले चेयरमैन बने आ कौन बने आ? पदम कुमार माधवन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन के नवे चेयरमैन कौन बने आ? राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन के नवे चेयरमैन बने आ अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ NHRC दी, इसकी फुल फॉर्म की है? नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना हुई सी 12 अक्टूबर 1993 नूं। इसका हैडक्वार्टर आ नवीं दिल्ली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का नवा वंज सकत्तर कौन बनिया? हाँ जी, देश के नवे वंज सकत्तर कौन बने आ? जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसो, जल्दी नाल अपने आंसर दो एज अ टेस्ट दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो चुके है, तुहानू भी पता है। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन आ?
ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਐੱਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਐੱਮ ਕੇ ਜੈਨ, ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਐੱਮ ਡੀ ਪਾਤਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਏ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਏ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਆ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਸਿੰਧਾਰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗਚਾਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਆਰ ਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਆ ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੀ ਆਰ ਓ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 7 ਮਈ 1960 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਗ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਜੇ ਚੰਦਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਅਡਿੱਲੇ ਸੁਮਰੀਵਾਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ ਜਸਵਰਧਨ ਸਿਨਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰੇਸ ਰਾਵਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਪਵਨ ਗੋਇੰਕਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਿਆ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਐੱਸ ਡੀ ਬਘੇਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट का मौजूदा चेयरमैन कौन बनिया? नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट के मौजूदा चेयरमैन बने आ गोबिंदा राजुलू चिंताला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ नाबार्ड की, इसकी स्थापना हुई सी 1982 दे विच, इसका हैडक्वार्टर मुंबई दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच विभाग यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल कौन बनिया? तो यह बने आ सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हुण असीं गल कीती आ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, तो इसकी स्थापना कदों हुई? 1 अप्रैल 1963 नूं। इसका हैडक्वार्टर आ नवी दिल्ली दे विच, ते एट प्रेजेंट इस दे डायरैक्टर जनरल तो यही बन गए ने सुबोध कुमार जायसवाल। नैक्सट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल वजों किसनों नियुक्त किया गया? हाँ जी, भारत के पहले लोकपाल वजों अपॉइंट होया पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी इह वीडियो खत्म होंदी है। तो यह वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।